हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आपका 18 सितंबर को बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड मैराथन लगाएंगे, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एज इट इज़ पेपर में दिख सकते हैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देयर आर अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन की आपको विद एक्सप्लेनेशन मैं समझाऊँगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ इंक्लूड। देखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ में क्या आता है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, द लिविंग वर्ड में से क्वेश्चन आया हुआ है ग्रोथ का। आपने डिफाइनिंग फीचर्स पढ़े होंगे, तो ग्रोथ ग्रोथ क्या है, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में अलग तरीके से होती है और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में अलग तरीके से होती है। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जब होती है तो उसमें क्या होता है कि ग्रोथ के साथ साथ जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाती है उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते जाते हैं, यानी कि ग्रोथ इज साइमल्टेनियसली विद द रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इकट्ठा चलता है, जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेंगे, इसका मतलब रिप्रोडक्शन हो रही है। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता ना कि जो जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तब उनके रिप्रोडक्शन साथ के साथ हो, ऐसा नहीं होता। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रोसेस हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और जो आपका यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इकट्ठे चलते हैं। तो जब जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिलता है ग्रोथ इंक्लूड, ग्रोथ के अंदर देखो बेटा ग्रोथ ट्विन करैक्टर होते हैं। ट्विन करैक्टर ऑफ ग्रोथ में क्या होता है कि इसके जब भी ग्रोथ होती है तो इंक्रीज इन द मास भी होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी होता है। ठीक है, इंक्रीज इन मास का एग्जाम्पल जैसे एक्सटर्नल ग्रोथ को लगा लो। एक्सटर्नल ग्रोथ ग्रोथ टू टाइप की होती है ना, एक्सटर्नल ग्रोथ भी होती है और इंटरनल ग्रोथ भी होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ जैसे सैंड ड्यून्स में होती है, सैंड ड्यून्स में क्या होता है कि एक के ऊपर रेत का टीला जब बनता है तो धीरे धीरे रेत उसके ऊपर जमती जाती है, तो वो बाहरी ग्रोथ हो रही है, सिर्फ एक्सटर्नली ग्रोथ हो रही है, तो इंक्रीज हो रहा है मास के अंदर। और नॉर्मली भी जब ग्रोथ होती है तो मास में इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ते हैं और इंक्रीज इन मास भी होता है, तो हम क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड बी, दिस इज द ट्विन करैक्टर ऑफ द ग्रोथ। के बाद है प्लांट ग्रो थ्रू आउट लाइफ बाय विच मेथड। हाँ जी, जो प्लांट है उनके अंदर ओपन टाइप की ग्रोथ होती है और प्लांट जो होते हैं इनके अंदर सेल डिवीजन होता रहता है। इसमें ओपन टाइप की ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन होता रहेगा क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर क्या होगा, प्लांट ग्रो थ्रू आउट लाइफ बाय विच मेथड, सेल डिवीजन, क्योंकि सेल्स इसकी डिवाइड होती रहती हैं। कलर कोई और चूज कर लेते हैं। After that, growth is unicellular organism can be observed by. Growth जो है unicellular organism में उसको कैसे observe कर सकते हो, उसको हम observe कर सकते हैं उसकी counting करके। उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि कितने number of individuals बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी counting करके हम उसको देख सकते हैं। तो simply counting the number of cells under microscope during the in vitro culture. इसके बाद है इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आरएच वी टेकर, हाउ मेनी किंगडम कंटेन यूकेरियोट्स, कितने किंगडम यूकेरियोट्स के अंदर आते हैं। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आरएच वी टेकर ने दिया था, इसके अंदर जो फोर किंगडम्स हैं वो तो यूकेरियोट्स के अंदर आते हैं। कौन कौन से, प्रोटिस्टा, यूनिसेलर यूकेरियोट्स आते हैं प्रोटिस्टा में, फंगजाई, एनिमल और प्लांटी। सिर्फ मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया है। तो क्या आएगा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम जो है यूकेरियोट्स के अंदर आते हैं, फोर किंगडम्स। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर इंक्लूडेड इन। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये क्या है, यूनिसेलर यूकेरियोट्स हैं। इनको किस ग्रुप के अंदर रखा गया है, प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा है। फिर है साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को किसके अंदर रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया बेटा क्या है, ये एक तरह का यू बैक्टीरिया जो डिवीज़न है, बैक्टीरिया का जो डिवीज़न है यू बैक्टीरिया, उसकी एक क्लास है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते होते हैं। तो देखो, साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, किस किंगडम के अंदर इसको रखा गया है, मोनेरा के अंदर। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था। देखो बेटा, तीन सिस्टम थे, आर्टिफिशियल सिस्टम था, नेचुरल सिस्टम था और एक था आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, जिसको अरिस्टोटल ने दिया था।
जो आपका नेचुरल सिस्टम है ये लीनियस ने दिया था, एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, ये स्ट्रक्चरल एम्ब्रियोलॉजी भी थी इसमें, फोटोकेमिस्ट्री भी थी, एनाटॉमी भी थी, सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड था, स्पेशली एनाटॉमी देखी गई थी, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के साथ साथ एनाटॉमी के ऊपर भी बेस्ड था ये, ठीक है। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, सारे हैं। फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एंगलर एंड प्लांटल ने दिया था ये, एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर था। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है कि पैतृक संबंध क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पेरेंट कौन से हैं और उनके पेरेंट कौन से हैं, इस तरह से उनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड जो एक क्लासिफिकेशन है, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, टू ओपनिंग्स होती हैं, माउथ एंड एनस, इनकम्प्लीट, ये तो बिल्कुल सही है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ही ओपनिंग्स होंगी, एक एनस होगा एक माउथ होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग होती है, ये भी सही है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द ट्यूब सिस्टम, ये गलत है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो किसी भी वेसल या ट्यूब के अंदर सर्कुलेट नहीं होता, इन्होंने लिखा हुआ ट्यूब सिस्टम। फिर है फाइलम दैट एग्जिबिट रेडियल और रेडियल लाइक सिमेट्री, ऐसे फाइलम्स जिनके अंदर रेडियल या रेडियल लाइक सिमेट्री होती है, रेडियल या रेडियल लाइक सिमेट्री होती है इस तरह की, जैसे आपको स्टारफिश में सिमेट्री देखने को मिलती है, दिस इज द रेडियल सिमेट्री, दिस इज द बायलेटरल सिमेट्री एंड दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जिसके अंदर आपको सेंट्रल एक्सिस से इस तरह से किसी भी इसको हाफ में काटो तो ये टू आइडेंटिकल हाफ्स में कट जाता है। तो देखो सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स एक फाइलम है जो पॉरीफेरा के बाद हम पढ़ते होते हैं एनिमल किंगडम में, सिलेंट्रेट्स में आपको कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, ये सिलेंट्रेट्स में आती है। इकाइनोडर्मेटा में आपका सी अर्चिन्स आते हैं और सी अर्चिन्स के साथ स्टारफिश आती है, और टीनोफोरा में टीनोप्लाना आता है, आपका टेंटाक्यूलेटा आता है, इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर रेडियल या रेडियल लाइक सिमेट्री है, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है, रूट हेल्प इन द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही है ये, इनकरेक्ट नहीं है। रूट प्रोवाइड ए प्रॉपर एंड कोरेज, ये भी बिल्कुल सही है। रूट स्टोर फूड मटीरियल एंड सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये भी सही है। रूट लैक मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, ऐसा नहीं होता, रूट के अंदर मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, और मेरिस्टमैटिक जोन रूट का जो मेरिस्टमैटिक जोन होता है वो सबसे स्मॉलर जोन होता है, मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी नहीं होगी तो बढ़ेगा कैसे रूट। फिर अभी जो द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द रूट, अब आ ही गया क्वेश्चन, कौन सा जो रूट का रीजन है वो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा रीजन है, तो ये आंसर क्या होगा, रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी। ये देखो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी रूट की दिखा रखी है, इसमें ये जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है वहाँ पे रूट के हेयर्स हैं, यहाँ पे क्या है रीजन ऑफ इलोंगेशन है जहाँ से ये बढ़ रहा है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, और बिल्कुल नीचे क्या होता है रूट कैप, ठीक है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी, बिल्कुल सही है। प्लांट हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट विच आर ऑर्गेनाइज इंटू टिश्यू, ठीक है, टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इंटू ऑर्गन, सारे सही हैं, ऑल ऑफ अबव। फिर है स्पेशलाइज रीजन ऑफ द प्लांट हैविंग एक्टिव सेल डिवीजन आर कॉल्ड, स्पेशल रीजन प्लांट का जिसके अंदर एक्टिव सेल डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम्स, मैरिस्टमैटिक रीजन कहते हैं उसको, टिश्यू या ऑर्गन नहीं आएगा। एपिकल मैरिस्टम्स आर प्रेजेंट एट द, एपिकल मैरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट के अपेक्स पे और शूट के अपेक्स पे, बोथ ए एंड बी, सही आंसर दे रहे हैं बच्चे, सही आंसर है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद एपिथीलियम, इसके अंदर से कौन सा ऐसा है जो कि एपिथीलियम से एसोसिएटेड है, cells are compactly packed with the little intracellular matrix, cells are loosely packed, it is highly vascularized, it is supporting tissue, बेटा इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एपिथीलियम के बारे में जानना होगा, आपको सबसे पहले एनिमल टिश्यूज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इसका वैसे आंसर बिल्कुल सही है ये, cells are compactly packed with the little intracellular matrix। देखो एनिमल टिश्यू चार टाइप के होते हैं, फोर टाइप्स के हैं, एपिथीलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू।
उसके बाद मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल्स आती हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब जिसको हम अपने मर्जी से कर सकते हैं, कार्डियक नॉन स्ट्रिएटेड और स्ट्रिएटेड सिंपली समझो आप। स्ट्रिएटेड वैसे क्या होता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स को कहते हैं। एक स्केलेटल है, एक स्मूथ है, एक कार्डियक है, ठीक है, ये तीन नाम इसके और हैं। फिर है कनेक्टिव टिशू। कनेक्टिव टिशू तीन टाइप का होता है, कनेक्टिव टिशू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिशू और फ्लूड कनेक्टिव टिशू। फिर है कनेक्टिव टिशू आगे तीन टाइप का होगा, एरियोलर टिशू, एडिपोज टिशू, फाइब्रस टिशू। और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिशू टू टाइप का होता है, कार्टिलेज और बोन, जो आपको सपोर्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है स्केलेटल सिस्टम में। और फ्लूड कनेक्टिव टिशू कौन सा है, ब्लड और लिम्फ। ये एग्जाम्पल पेपर में आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्लूड कनेक्टिव टिशू, तो ब्लड और लिम्फ याद रखना है। इसके बाद देखो जो एपिथीलियल टिशू है, इसके आगे टाइप्स हैं, सिक्स टाइप्स हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, कोलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर। ये देखो, ये है सिंपल स्क्वैमस, इसके पॉलीगोनल होती हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं वो पॉलीगोनल होती हैं। इसका ये एग्जाम्पल भी पेपर में आता होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथीलियम सेल्स हैव पॉलीगोनल शेप, तो हम लिखेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। फिर है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, जो जिनकी क्यूबॉइड जैसी शेप है उनको क्यूबॉइडल कह दिया, जिसकी कॉलम जैसी शेप है कॉलमनर कह दिया। ये ट्रांजिशनल, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। फिर लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी डक्ट्स एंड ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ, सिंपल एपिथीलियम की बनी होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिथीलियम, एपिथीलियम का फंक्शन क्या नहीं है, प्रोटेक्शन है, सिक्रीशन भी करती है, प्रोटेक्शन भी करती है, एब्जॉर्प्शन भी करती है, सिक्रीशन भी करती है, कनेक्शन कोई इसका वो नहीं है, कनेक्शन नहीं बनाती कोई भी। फिर है नेम द साइंटिस्ट हु सॉ लाइव सेल फर्स्ट टाइम, पहली बार किसने लाइव सेल को देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। द मोस्ट लाइकली मेथड यूज टू डिटरमाइन द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ ए सेल ऑर्गेनली, क्या है सबसे अच्छा मेथड कौन सा है किसी भी सेल ऑर्गन के अल्ट्रास्ट्रक्चर को देखने का, मोनिका बिल्कुल सही आंसर है बेटा, नहीं मोनिका आंसर सही नहीं है आपका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडन एंड श्वान ने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने उसको करेक्ट किया था। सेल थ्योरी क्या है, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं धरती पे, वो सारे के सारे सेल, उनकी जो सेल है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड द सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म द लाइफ फंक्शंस। ये दोनों जो थे पॉइंट ऊपर नीचे वाले, ये किसने दिए थे, ये दिए थे आपके श्वाइडन और श्वान ने, और ये रुडोल्फ विर्चो ने दिया था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनको इनसे ये नहीं बताया गया था कि हाउ सेल्स आर फॉर्म्ड, ओके। फिर आफ्टर डूइंग द केमिकल एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो फ्रैक्शंस है ये, माइक्रो फ्रैक्शन वर ऑब्जर्व नेमली, उनको क्या कहते हैं, देखो बेटा ये हमारा जो चैप्टर है लिविंग टिशू, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। देखो जो लिविंग टिशू है, कोई भी एक लिविंग टिशू ले लो आप, जैसे मान लो एक चिक ले लिया, एक मुर्गा ले लिया, उसकी टांग ले ली, ठीक है, चिकन लेग पीस ले लिया, वो एक लिविंग टिशू ही है। उसको आप ग्राइंड कर लो किसमें, ट्राईक्लोरो एसिटेट में, तो एक थिक सी स्लरी बन जाएगी, जिसको आप मलमल के कपड़े में छान लो, तो आपको दो फ्रैक्शंस मिलेंगे, एक होगा एसिड सॉल्यूबल पूल और एक होगा एसिड सॉल्यूबल पूल। उसमें से कुछ चीज़ें घुल जाएंगी, ट्राईक्लोरो एसिड में कुछ चीज़ें नहीं घुलेंगी, जो चीज़ घुल जाएगी बिल्कुल और छन के नीचे चली जाएगी मलमल के कपड़े से, उसको आप एसिड सॉल्यूबल पूल कहोगे, और जो चीज़ नहीं छनेगी उसको हम क्या कहते हैं, एसिड इनसॉल्यूबल पूल, या फिर इसको पैलेट भी कहते हैं, इसको रेटेंटेट भी कहते हैं, ठीक है, उसको फिल्ट्रेट कहेंगे, इसको रेटेंटेट कहेंगे। आंसर लगा दिया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, दो फ्रैक्शंस मिलती हैं हमको, एसिड सॉल्यूबल पूल और एसिड इनसॉल्यूबल। चूज द एलिमेंट विच इज नेग्लिजिबल इन लिविंग मैटर, बिल्कुल कम होता है लिविंग मैटर में, जो ये क्या होगा, सिलिकन बिल्कुल नहीं होता, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है। ग्राइंडिंग ऑफ लिविंग टिश्यू इन द ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड शो द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट फॉस्फेट विच आर कैटेगराइज्ड एज, इनको क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन, नॉट फाउंड इन सेलुलर पूल, बोथ ए एंड बी,
इनको हम बोलते हैं एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, क्योंकि ये घुल के नीचे चले जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट इन द रूटेड प्लांट्स. क्या आएगा इसका आंसर? देखो बेटा, वाटर और मिनरल को रूट से रूट टू स्टेम लीव फ्लावर सब में कौन लेके जाता है? जाइलम लेके जाएगा, फ्लोएम लेके जाएगा, ये दोनों चीज़ें लेके जाएंगी. तो जाइलम और फ्लोएम दोनों चीज़ें. क्या आएगा आंसर इसका बताओ? मोनिका ए, रमनदीप कौर ए, संदीप कौर ए, सबने ए आंसर दिया. यही आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है. जाइलम. वाटर और मिनरल को कौन कंडक्ट करता है? जाइलम. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हार्मोन्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन प्लांट इज. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हार्मोन एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन प्लांट, ये क्या होती है? ये होते हैं आपका होगा इसका आंसर मल्टी डायरेक्शन. ये मल्टी डायरेक्शन होते हैं, बच्चे इसको यूनि और बाई डायरेक्शन लिख के आते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाता है. इसका आंसर आएगा ये मल्टी डायरेक्शन होते हैं. हार्मोन्स भी मल्टी डायरेक्शन है, गैसेस भी और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भी. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ थ्रू द हाइड्रोपोनिक्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी. न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए हाइड्रोपोनिक्स के लिए? हाइड्रोपोनिक्स क्या? हाइड्रोपोनिक्स इज ए टेक्निक इन विच प्लांट आर ग्रोन विदाउट सॉइल. बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो करना, इसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर प्लांट को ग्रो करवाना, इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोपोनिक्स. ये देखो इस तरह से, ये एक लैट्यूस को और आपका जो सैलेड है ना, लैट्यूस है, टमाटोज हैं, इससे बनाए गए हैं. ठीक है, इस तरह से इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर प्लांट को ग्रो करवाया जाता है, जैसे लैट्यूस के बारे में दिखाया हुआ है. हाइड्रोपोनिक्स के बेनिफिट भी पेपर में पूछे जाते हैं. ये वाटर सेविंग है, इसमें कोई सॉइल का यूज़ नहीं होता, कोई पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता, कोई इसमें पेस्ट नहीं लगते, फास्ट ग्रोथ होती है और यील्ड भी अच्छी होती है. और इस तरह से एक सेटअप लगाया जाता है जिसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से नए नए प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है. ओके, तो देखो अब क्या है कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को आपको एरिएशन करना पड़ता ताकि उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट सही बना रहे. ठीक है, एडिक्वेटली एरिएटेड. फिर द मेन पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू. मेन पर्पज क्या है फोटोसिंथेसिस का? कन्वर्ट करना लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर. फिर जोसेफ प्रिस्ले ऑब्जर्व दैट व्हेन माउस अलोन वाज प्लेस्ड इन द क्लोज बेल जार विद द बर्निंग कैंडल इट इज सफोकेटेड एंड द बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश्ड, बट व्हेन द माउस वाज प्लेस्ड विद द मिंट in the same bell jar that mouse stayed alive and candle continued to burn. But the conclude from the experiment. देखो बेटा, एक जोसेफ प्रिस्ले ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, इसके अंदर उसने बताया था, ये देखो इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था उसने, बताया था कि यहाँ पे जब एयर ख़त्म हो जाती है, पहले यहाँ पे एयर थी इसके अंदर, उसने उसमें एक माउस को रखा और एक कैंडल को रखा, फिर धीरे धीरे कैंडल ने, और कैंडल को भी जलने के लिए कंबशन के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इसको भी माउस को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी. तो इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी इन दोनों ने कंज्यूम कर ली, और क्या हुआ, जब ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो ये दोनों डेड हो गए. मतलब माउस तो डेड हो जाएगा और कैंडल जलनी बंद हो जाएगी. लेकिन क्या किया उसने, उसने क्या इस चीज़ को रिपीट किया एक चीज़ के साथ, उसने एक मिंट प्लांट लिया. मिंट प्लांट देखे ना आपने, पुदीने का पौधा, बिल्कुल छोटा सा होता है, वो छोटे से पौधे को इसके अंदर रख दिया. तो वो क्या करता था मिंट का प्लांट बेटा, ये रिस्टोर कर लेता था जो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे ना. ठीक है, जिसके कारण जो यहाँ पे एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, ये इसको रिस्टोर कर लेता था कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन छोड़ता था जिससे ये जिंदा रहते थे, ये साइकिल चलता रहता था. ये ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, ये क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, और क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो इनको ऑक्सीजन मिली जा रही है, तो ये दोनों बाद में भी जिंदा रहे हैं. ठीक है, तो इसने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की थी 1774 के अंदर, जोसेफ प्रिस्ले ने ही इसने डिस्कवरी की थी. तो अब इसमें प्रॉपर आया भी नहीं है इसका आंसर भी, जोसेफ प्रिस्ले, इसका आंसर ए और बी बोथ है. बर्निंग कैंडल रिमूव द एयर, मिंट प्लांट रिस्टोर द एयर, इसका आंसर था ए एंड बी बोथ, कि बर्निंग कैंडल ने जो रिमूव की थी एयर, उसको मिंट प्लांट ने रिस्टोर कर लिया था.
फिर इन विच ईयर जोसेफ प्रीस्टले डिस्कवर ऑक्सीजन? इन 1774. फिर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर ऑक्सीजन इज जोसेफ प्रीस्टले. फिर इन द यूकेरियोट्स डैश टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस. वेयर एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी टेक प्लेस इन द, कहाँ पे होती है एनर्जी, कहाँ से मिलती है हमको चीज़ों को ब्रेक डाउन करके? देखो आपने अगर फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ा तो आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. तो जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ तो फोटोसिंथेसिस हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है उसके स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल चलता है. कैल्विन साइकिल में कार्बोहाइड्रेट बनती है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाती है. तो कार्बोहाइड्रेट्स को की सी बॉन्ड काट के क्या होता है एनर्जी निकलती है. तो उसके उसको एनर्जी को निकालने के लिए दो प्रोसेस होते हैं. इसको रेस्पिरेशन में हम पढ़ते होते हैं. दो प्रोसेस कौन से हैं? ग्लाइको आपका एक तो साइटोप्लाज्म में होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. जो साइटोप्लाज्म में होता है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. और एक आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं? क्रैब्स साइकिल. ठीक है. तो देखो पहले फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट. फिर एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी प्लेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. आंसर इज ए. रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ सेलुलर यूज इट इज कॉल्ड. इसको क्या कहते हैं? ये रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन की आपको डेफिनेशन दे रखी है. फिर द सेल्स ऑफ डैश हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परप्यूएट. किन के अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की? मेरिस्टेम्स. मेरिस्टेम सेल के अंदर कैपेसिटी है. दे हैव पावर टू डिवाइड. द टाइप ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज बींग एडिड टू द प्लांट बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम. इसको क्या कहते हैं? ओपन टाइप की ग्रोथ, जहाँ पे अपने आप से सेल डिवाइड होती रहती हैं और प्लांट बॉडी में एड होती रहती हैं. डाइजेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज accomplished by डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन के अंदर कहाँ पे, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? एक तो ये मैकेनिकल प्रोसेस भी है, इसको केमिकल प्रोसेस दोनों ही कहते हैं. मैकेनिकल भी है और केमिकल भी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन. ह्यूमन का डेंटिशन कैसा होता है? ह्यूमन में तीन टाइप का डेंटिशन होगा. कौन कौन सा? एक तो थीकोडोंट होते हैं. थीकोडोंट का मतलब जो हमारे टीथ हैं वो एम्बेडेड हैं सॉकेट्स के अंदर. फिर है डाइफायोडोंट. डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है? डाइफायोडोंट का मतलब है कि दो बार लाइफ में दो फेज ऐसे आते हैं जब आपके टीथ आते हैं. एक तो जब बचपन होता है, ठीक है, और एक जब 12 साल की उम्र में. मतलब दोनों ही सेम थोड़े थोड़े टाइम के गैप में आते हैं. डाइफायोडोंट. फिर है हेट्रोडोंट. हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि हमारे पास चार टाइप की टीथ हैं, अलग अलग टाइप के टीथ हैं ना, प्री मोलर, मोलर, कैनाइंस और इंसीजर्स. तो थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट. यहाँ पे वही दे रखा है. थीकोडोंट डेंटिशन क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल अरेंजमेंट है इन विच बेस ऑफ द टूथ इज कम्प्लीटली एनक्लोज इन द डीप सॉकेट ऑफ द बोन. सीन इन कहाँ कहाँ पे मिलता है? क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद कर लेना. क्रोकोडाइल के अंदर डेंटिशन पूछा जाता है. डायनासोर्स और मैमल्स सब में क्या होता है? सब में ही आपको यही मिलेगा थीकोडोंट. फिर है द टर्म हेटेरोडोंट. हेटेरोडोंट किसको रेफर करता है? हेटेरोडोंट का मतलब चार टाइप के टीथ. और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जब छोटे होते जो हमारे टीथ होते हैं उनके अंदर कौन सा जो टीथ है वो नहीं होता, कौन सा टाइप हेटेरोडोंट्स में से नहीं होता. इंसीजर नहीं होते, कैनाइंस नहीं होते, प्री मोलर नहीं होते, मोलर्स नहीं होते. तो आंसर क्या आएगा? तब प्री मोलर्स नहीं होते हमारे पास. ठीक है. फिर है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड द ऑर्गन इन्वॉल्व वेरीज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल. दिस डिफरेंट डिपेंड्स ऑन. जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो किस पे ऊपर डिपेंड करता है? एक तो बेटा ये हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहा है, और एक उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करता है कि वो कौन से लेवल का है. जैसे आपका उसमें दे रखा है कि जैसे लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे स्पॉन्जिस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं आपके, और फ्लैट वर्म हैं. ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं ना, सरफेस से ही गैसेज एक्सचेंज करते हैं. सिंपल डिफ्यूज़न होता है इनमें.
तो आंसर आएगा बोथ ए एंड सी, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. 40 का डी सही था. इसके बाद है ऑर्गेनिज्म विच सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट सब्सटेंस आर. ये कौन है, सिलेंट्रेट्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, दोनों हैं या नन ऑफ दिस. इसका आंसर दो सुरिंदर जोसन, इसका आंसर दो. दोनों ही होंगे बेटा, सिलेंट्रेट्स भी होंगे और स्पॉन्जेस भी होंगे, क्योंकि दोनों ही वाटर में रहते हैं. द परसेंटेज ऑफ वाटर एंड प्रोटीन इन ए स्ट्रो कलर विस्कस फ्लूइड प्लाज्मा कितना होगा इसमें. देखो बेटा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. इसका आंसर वैसे 92% एंड 8% है. देखो इसकी ये कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ. ये देखो, ये हमारा पूरा ब्लड है. जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो आपके पास क्या आता है, प्लाज्मा आ जाता है. और ये क्या है, आरबीसी. आरबीसी कितनी होगी इसमें, 45%. और 55% क्या होता है आपका, प्लाज्मा होता है. और 55% में से भी 2% इसमें सॉल्यूट्स होते हैं, 7% प्रोटीन होते हैं, और 91% वाटर होता है. लेकिन आपके ऑप्शन में दे रखा था 92% एंड 8%, ये भी सही है. इन दोनों को मिला के जैसे 92% कह दिया और इसको 8% कह दो, ठीक है. तो कुछ भी इसमें आ सकती है. लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा कितना होता है ब्लड का, तो 55%, ठीक है. और प्लाज्मा के अंदर कितना वाटर होता है, 92%, और 8% क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है. अमंग द अमोनिया यूरिक एसिड एंड यूरिया विच वन इज मोस्ट सोल्यूबल, कौन सा सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, दोनों या यूरिया. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, मोस्ट सोल्यूबल यूरिक एसिड होता है. यूरिक एसिड जो होता है सबसे कम टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है ना, और लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर है. यूरिक एसिड तो लीस्ट सोल्यूबल, मोस्ट सॉल्युबल पूछा इन्होंने, ये तो लीस्ट है, सॉरी ये तो लीस्ट सॉल्युबल का एग्जांपल बता दिया मैंने आपको. एक मिनट, इसको करेक्ट करते हैं. तो लीस्ट सॉल्युबल है. मोस्ट सॉल्युबल, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होता है, मोस्ट सॉल्युबल कौन होगा, बी नहीं होगा बेटा. ये तो मोस्ट लीस्ट सॉल्युबल है, यूरिक एसिड लीस्ट सॉल्युबल है. इसका आंसर दो. डी बिल्कुल सही है. फिर देखो इसमें ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमोनोटालिज्म, यूरियोटालिज्म और यूरिकोटालिज्म पे. एस्क्रीशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिनके अंदर एक तो होता है अमोनिया, अमोनिया सिक्रेट करने वाले ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज्यादा उसके अंदर रहते हैं, मतलब पानी वाले ऑर्गेनिज्म है जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जो कि पानी, क्योंकि अमोनिया बेटा, अमोनिया को डिजोल्व होने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है. आप लगभग ये लगा सकते हो कि लगभग लगभग 1 ग्राम को आधा लीटर अमोनिया, मतलब 1 ग्राम अमोनिया को घुलने के लिए आधा लीटर पानी चाहिए होता है, ठीक है. तो अमोनोटालिज्म फिशेज में होता है क्योंकि वो पानी के अंदर रहती हैं, स्पॉन्जेज में होगा, जेली फिश में होगा, एक्वेटिक एम्फीबियंस में होगा, और एक्वेटिक इंसेक्ट्स में होता है. यूरियोटालिज्म किस में होगा, मैमल्स, जैसे हम हमारे अंदर होता है, हम यूरिया रिलीज करते हैं विद द यूरिन. वेल, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग हो गया, एक्वेटिक रेप्टाइल्स जैसे टर्टल हो गए, टॉर्टाइज हो गए. इसके अलावा कार्टिलिजिनियस फिश भी यूरियोटेलिज्म का एग्जाम्पल है. फिर है यूरिकोटेलिज्म, लैंड एनिमल्स जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए और इंसेक्ट्स हो गए. ये कोई भी एग्जाम्पल पेपर में पूछ सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर अमोनोटेलिक, इनमें से कौन से अमोनोटेलिक हैं, तो मैमल्स तो हो नहीं सकते, एक्वेटिक एम्फीबियंस, बॉनी फिशेज. देखो एक्वेटिक एम्फीबियंस कहाँ पे हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस और बोनी फिशेज अमोनोटेलिज्म का एग्जांपल है. आंसर इज ए एंड बी. फिर स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज सीन इन, साइटोप्लाज्म का स्ट्रीम करना मतलब साइटोप्लाज्म का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये किसमें आपको दिखाई देता है, अमीबा के अंदर. स्यूडोपोडिया बनते हैं ना इसमें. द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन, हमारी बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है वो किस चीज़ को कोऑर्डिनेटेड होकर किस चीज़ को मेंटेन करता है, होमोस्टेसिस को. होमोस्टेसिस क्या होता है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन मेंटेन बाय लिविंग सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड होमोस्टेसिस.
द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन. हाइपोथैलेमस रिलीज टू टाइप ऑफ हार्मोन कॉल्ड, हाइपोथैलेमस टू टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, एक होता है स्टिम्युलेटिंग, एक होता है इनहिबिटिंग. ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी पे जाते हैं और उसको स्टिम्युलेट करते हैं ताकि पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स को रिलीज करे, ग्रोथ हार्मोन्स को, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. GnRH जिसको हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं स्टिम्युलेट्स था, ये किसको स्टिम्युलेट करते हैं, GnRH. बताओ इसका आंसर. पिट्यूटरी टू सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन, ये बिल्कुल सही है. गोनाडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, जैसे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. फिर लाइफ स्पैन ऑफ टॉर्टोइज 80 to 150 ईयर्स भी आ सकता है पेपर में, 80 to 150 भी आ सकता है, यहाँ पे 150, अगर 150 तक आपको एज दी हुई है तो वो टॉर्टोइज की है. सिंगल सेल एनिमल्स आर सेल टू बी इमॉर्टल बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार मार्क कर लो क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को आप इमॉर्टल क्यों कहते हो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो बेटा ये सिंगल सेल हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, कभी भी मरते नहीं है, अमर कहते हैं इनको. इमॉर्टल का मतलब अमर, जो चीज़ कभी मरती नहीं है, ठीक है. क्यों, क्योंकि दे कंटिन्यू टू लिव एज देयर डॉटर सेल्स, क्योंकि वो अपने आप जैसे ही वो थोड़े से एज में बड़े होंगे, जैसे ही मतलब उनकी एज होने लगेगी वो उनके बेबीज पैदा हो जाएंगे, फिर उनकी थोड़ी सी एज होने लगेगी फिर उनके बेबीज हो जाएंगे, वो डॉटर सेल की तरह जिंदा ही रहते हैं हमेशा. दे कंटिन्यू टू लिव एज देयर डॉटर सेल. फाइंड ऑड वन आउट, ऑड को अलग करो इसमें से, स्टैमन स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. तो स्टैमन क्या है, एंड्रोशियम का पार्ट है, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये गाइनोशियम का पार्ट है. स्टैमन अलग हो गया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सेम है. पाउच इन विच टेस्टिस आर सस्पेंडेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो पाउच सस्पेंडेड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम. स्क्रोटम क्यों सस्पेंडेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी ना अगर जो आपके स्पर्म्स की प्रोडक्शन है मेल्स के अंदर वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे होती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सस्पेंडेड होना पड़ता है स्क्रोटम को बॉडी के बाहर. फंक्शन ऑफ स्क्रोटम इज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, ताकि टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन रहे क्योंकि उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया है जो कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहा है. फिर है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन, दिस इज द फर्स्ट नेशनल लेवल प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द 1951, जिसके अंदर लोगों को अवेयर किया गया था फैमिली प्लानिंग के बारे में, बच्चों को लोगों को बताया गया था कि कम से कम एक कपल के पास सिर्फ दो या दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए. तो इस तरह से लोगों को अवेयर किया गया था फैमिली प्लानिंग के बारे में. तो ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम पहली बार इंडिया के अंदर चलाया गया. वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RCH, RCH क्या है, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. क्या है ये बेटा, दिस इज द अपडेट वर्जन ऑफ द नेशनल प्रोग्राम दैट इज फैमिली प्लानिंग. जो नेशनल प्रोग्राम था फैमिली प्लानिंग उसी का एक अपडेट वर्जन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. इसके अंदर लोगों को बहुत सारे मेथड्स बताए गए थे फैमिली प्लानिंग के, और हम इसमें MTP की भी बात करते हैं, उसके रिगार्डिंग लॉ बनाया गया था, फीमेल फिटिसाइड के रिगार्डिंग लॉ बनाया गया था. MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ विच वन फ्रॉम द गिवन बिलो इज द पीरियड ऑफ मैंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. मैंडल ने कब से कब तक अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और इनहेरिटेंस के बारे में बताया था. ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन 1856 टू 1863, सेवन ऐसे ही लिखा हुआ है, 63 आएगा. मैंडल इन्वेस्टिगेटेड करेक्टर इन द गार्डन पी प्लांट मैनिफेस्टेड इन टू ट्रेड्स विच वर, कौन कौन से बेटा, उसने सात कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे, कौन कौन से थे, जैसे पोड का कलर हो गया और फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन होगी और प्लांट की हाइट होगी,
तो उसने दो दो करेक्टर लिए थे, सेवन पेयर्स लिए थे ट्रेड्स के जो अपोजिट थे, जैसे एक टॉल एक ड्वार्फ, है ना, पोजीशन एक एक्सियल एक टर्मिनल ऐसे। डीएनए इज, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिला के बनता है। तो छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड्स की चेन जुड़ती जाती हैं तो आपका क्या बनेगा, एक लंबा सा डीएनए बन जाएगा। दिस इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनता है, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। और शुगर भी कौन सी चाहिए होती है, पेंटोज शुगर। द लेंथ ऑफ द डीएनए यूजली डिपेंड्स ऑन, लेंथ जो है डीएनए की किस पे डिपेंड करती है, कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स उसमें है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। विच थ्योरी आर्ग्यूमेंट दैट लाइफ ऑन अर्थ कम फ्रॉम द आउटर स्पेस थ्रू द स्पोर्स, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया को हम क्या कहते हैं, कि लाइफ हैज रीच्ड दिस प्लैनेट बाय द हेवनली बॉडी, है ना, लाइफ एग्जिस्ट थ्रू आउट द यूनिवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्पेस डस्ट मीटियोराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स कॉमेट्स एटसेट्रा। ये एक थ्योरी में क्या बताया गया था, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया में ये बताया गया था, इसी को बेटा कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं। आंसर वैसे ए एंड बी, ऑप्शन मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, वैसे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इसी को कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलते हैं, इसका आंसर ही आएगा डी, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, है ना, क्योंकि वैसे तो इसको थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया में बोलते हैं, इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं, कि जो ये बताया गया था कि जो सबसे पहले अर्थ पे लाइफ आई थी वो स्पोर्स की फॉर्म में आई थी, रेजिस्टेंट स्पोर्स की फॉर्म में हेवनली बॉडीज से आई थी। फिर फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट लाइफ कम आउट डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रो एंड मड, दिस वॉज द थ्योरी ऑफ, इसको क्या कहते हैं, इट इज़ द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, इट इज गिवन बाय एरिस्टोटल एंड इट इज डिस्कार्डेड बाय, डिस्कार्ड किसने किया था इसको, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने कौन सी थ्योरी दी थी, लुईस पास्चर ने बायोजेनेसिस की थ्योरी दी थी ना, कि लाइफ कम फ्रॉम द प्री कुछ भी ऐसा मटेरियल होना चाहिए, थोड़ा सा प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ होती है उसी से ही लाइफ जनरेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को कौन अफेक्ट करता है, चेंज इन द लाइफ स्टाइल एंड रेस्ट एंड एक्सरसाइज जेनेटिक डिसऑर्डर, रेस्ट और एक्सरसाइज नहीं अफेक्ट करती, चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, बोथ ए एंड बी। हेल्थ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये बेटा आपका ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है उसकी एक लाइन है जिसको एक क्वेश्चन बना के डाला गया है, हेल्थ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस मेंटल एंड सोशल वेलबींग, आंसर इज प्रेजेंस ऑफ डिजीज इज नॉट अ हेल्थ, तो फिजिकल फिटनेस फर्स्ट एंड थर्ड, मेंटल सोशल और फिजिकल फिटनेस को कहते हैं हेल्थ। यहाँ पे आएगा डैश, डैश इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, क्या कहते हैं इसको बेटा, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लाइफ स्टॉक के ऊपर ध्यान रखते हैं। देखो लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ब्रांच है एक एग्रीकल्चर की, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मैनेजमेंट करते हैं लाइफ स्टॉक का, जिसमें एनिमल फार्मिंग की जाती है ना, गोट है, कैटल है, फिश फार्मिंग है, पोल्ट्री है, शीप है, सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउल पॉक्स डिजीज मोस्टली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, फाउल पॉक्स जो डिजीज़ है ये किसको अफेक्ट करती है, दो फाउल पॉक्स डिजीज जो है ये बर्ड्स को अफेक्ट करती है। देखो ये फाउल पॉक्स वाली बर्ड है, फाउल पॉक्स इज रिलेटिवली स्लो स्प्रेडिंग वायरल इन्फेक्शन, एक तरह का स्लो धीरे धीरे स्प्रेड होने वाला वायरल इन्फेक्शन है, और ये एक वायरस से होता है, इस वायरस का नाम क्या है, एवीपॉक्स वायरस, एवीपॉक्स वायरस से फाउल पॉक्स होता है जो कि बर्ड्स को होने वाली बीमारी है, और ये पॉक्स विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर है लैक्टोज फाउंड इन मिल्क इज डाइसैकेराइड कंपाउंड ऑफ, लैक्टोज क्या है, इसको मिल्क शुगर कहा जाता है, मिल्क के अंदर लैक्टोज ही होती है, तो ये किस किस से, ये डाइसैकेराइड है, दो मोनोसैकेराइड से मिलके बनती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। फिर है द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस
प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल फॉर ह्यूमन इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही ऑर्गेनिज्म से कुछ अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं सो दैट कि वो बाकी ह्यूमन लाइफ के काम आए, और भी बहुत सारे मतलब जैसे वो बनाते हैं ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हैं। द टेक्निक प्रोसेस दैट आर इंक्लूड अंडर बायोटेक्नोलॉजी आर, कौन कौन सी टेक्निक को बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रखा गया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स, डिफेक्टिव जीन्स जैसे 4 साल की बच्ची को जो जीन थेरेपी दी गई थी जिसको ADA था, वो डिफेक्टिव जीन को ही सही किया गया था उसमें। सिंथेसाइजिंग ए रिकॉम्बिनेंट जीन, रिकॉम्बिनेंट जीन बनाना जैसे BT कॉटन बना है, ऑल ऑफ दिस। फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट टेक प्लेस बाय, वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट कैसे बनेगा, टाइप्स ऑफ स्पीसीज इनहैबिटिंग द एरिया, टाइप ऑफ प्रीडेशन, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस आ सकता है ना, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्रीडेशन जो है ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है ना। टाइप अगर हम प्रीडेशन के टाइप्स को बढ़ा देंगे तो हम हैबिटेट को बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रीजनल और लोकल वेराइटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, रीजनल लोकल वेरिएशन करनी पड़ेगी जिससे एनवायरमेंटल कंडीशंस एनहेंस हों और हैबिटेट में बहुत सारी वैरायटीज हों। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर दैट करेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि हैबिटेट को अफेक्ट करते हैं, तो वो बायोटिक भी होगा और अबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे। ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड ऑल्सो द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरमेंट, इसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए एक और क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर, इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर भी कहते हैं। इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, नेचर की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, इकोसिस्टम। फिर द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय, टर्म इकोसिस्टम को किसने दिया था, इकोसिस्टम इज कॉइंड बाय सर आर्थर जी टेंसले, A.G. टेंसले। द मेडिसिनल प्लांट रोगोल्फिया वोमिटेरिया ग्रोइंग इन द हिमालयन रेंजेस शो वेरिएशन इन टर्म ऑफ पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ केमिकल रेस्परिन दैट इज प्रोड्यूस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो बेटा एक कुछ भी नहीं आई है, रोगोल्फिया वोमिटेरिया एक हिमालयन रेंजेस, अलग अलग हिमालय के अलग अलग रेंजेस के अंदर रोगोल्फिया वोमिटेरिया को उगाया जाता है। इसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, इससे जो रेस्परिन मिलता है इसको हाई ब्लड प्रेशर को सही करने में इसका यूज़ किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को इससे सही ठीक किया जाता है, और कई बार इसका इसकी जो हाई डोज है वो मेंटल डिसऑर्डर्स को भी सही करती है। तो इसमें आंसर आएगा ये किस तरह का एग्जांपल है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल, इस तरह का होता है देखो ये रोगोल्फिया वोमिटेरिया। फिर द वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेट एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, वेस्टर्न घाट के अंदर ज़्यादा एम्फीबियंस हैं और ईस्टर्न घाट के अंदर कम है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। फाइन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या है, एरोसोल्स आर सस्पेंशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, एरोसोल्स आर द सस्पेंशन ऑफ लिक्विड सॉलिड प्लाना, ये वो 3-4 ऑप्शन दे देते हैं तो आपको पता होना चाहिए लिक्विड और सॉलिड दोनों का होता है इसमें। एक्सक्लूडिंग क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन द एरोसोल पार्टिकल का साइज क्या होता है, 10^-4 to 10 μm, फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज, सल्फेट्स, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, डस्ट और सी साल्ट सब इसमें ही आते हैं। इन प्लांट्स एयर पोल्यूशन क्योज, प्लांट्स के अंदर एयर पोल्यूशन क्या क्योज करते हैं, रिड्यूस ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं, लीड्स टू प्री मेच्योर डेथ को बढ़ा देते हैं, तो बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ें ही करते हैं प्लांट्स में, इसमें प्लांट्स की ग्रोथ भी रिड्यूस होती है, यील्ड भी कम क्रॉप होती है, और जैसे क्रॉप है तो कम क्रॉप उगेगी अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है
जो एरिया एयर पोल्यूशन से ज़्यादा एक्सपोज करता है, फिर है लीड्स टू प्री मेच्योर डेथ, छोटे छोटे प्लांट्स की डेथ होने लग जाएगी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन ही इतने थे, थैंक यू बब्बा बेटा। होप सो कि आप सबने अच्छे से प्रेपरेशन किया है, 18th को आपका एग्ज़ाम है। अभी आपके 3-4 दिन मैराथन्स चलेंगे, और ये जो मैराथन है इसको आप कॉन्टीन्यूसली देखते रहना, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगले मैराथन में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे, अप्रॉक्स 100 to 105 तक क्वेश्चंस होंगे, सो दैट कि आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। टाइमिंग सेम होगी।